अब की बार जो प्रो कबड्डी है उसमें सबसे महंगा प्लेयर हूँ जो प्रो कबड्डी लीग का। तो इसी से जो रही प्रैक्टिस की बात, तो आर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, डाइट और जो भी हर सुविधा वो देते हैं प्लेयर को। मेरा नाम मोनू गोयत है और मैंने कबड्डी से एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें भारतीय टीम का कबड्डी का ब्रॉन्ज मेडल आया है। और मैंने आर्मी को ज्वाइन किया था 2011 के फर्स्ट में, उस टाइम मेरी एज हुई थी आर्मी में लगने की 18 साल की। तो उस टाइम यही सोचते थे कि पहले जॉब मिल जाए, तो आर्मी मेरे को अच्छी लगी, डिसिप्लिन और आर्मी की जो टीम थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छी अब भी है पहले भी थी। तो मैंने आर्मी को ज्वाइन किया और आर्मी में जो डिसिप्लिन है और जो प्रैक्टिस का माहौल रहता है वो बहुत अच्छा है, उसकी वजह से मैंने अपना भविष्य आगे और चमकाया। जो आर्मी के कोचेज थे उन्होंने प्रैक्टिस करवाई, उसकी वजह से मैं प्रो कबड्डी लगा लो या जो भी मैंने मास्टर दुबई कप जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेली है उसमें मेरी अहम भूमिका रही है। और जो रही अभी मान लो सर्विसेज का से हम नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, जो मैंने आर्मी से अकेला ही था मैं एशियन गेम के अंदर, और इसके साथ ही मैं अब की बार जो प्रो कबड्डी है उसमें सबसे महंगा प्लेयर हूँ जो प्रो कबड्डी लीग का। तो इसी से जो रही प्रैक्टिस की बात, तो आर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, डाइट और जो भी हर सुविधा वो देते हैं प्लेयर को कि आप आगे बढ़ो, और किसी हर फैसिलिटी के बारे में मतलब ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती भाई हमारे को ये फैसिलिटी नहीं मिल रही या कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये मानना मेरा कि भाई आर्मी सबसे बेस्ट है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि आप इसमें हर काम टाइम के हिसाब से होता है और डिसिप्लिन में जो रहता है गेम का, कोई भी गेम हो सबसे पहले डिसिप्लिन ज़रूरी है, और वही जो आर्मी में सबसे पहले सिखाया जाता है। तो उसकी वजह से आर्मी के बहुत ज़्यादा प्लेयर एशियन गेम में गए और मेडल लेके आए। मैंने बचपन से कबड्डी स्टार्ट कर दिया था, गांव में पहले तो ऐसे ही जाते थे भाई कबड्डी खेलने, तो भाई गांव में माहौल था कबड्डी का, तो 5वीं क्लास से मैंने स्टार्ट कर दिया था कबड्डी, और बिल्कुल जैसे स्टेप टू स्टेप मैं आगे बढ़ता गया। उसके बाद ये थोड़ी नॉलेज हो गई भाई अब तो इसी में भविष्य बनाना है अपना और इसी के अंदर जॉब करनी है, क्योंकि ये जैसे ऊपर होती गई तो पता लगता गया भी कि हाँ गेम्स के थ्रू नौकरी भी मिल सकती है, तो मैंने इसी में अपना भविष्य बनाने की सोची। और उसके बाद जैसे मैंने नेशनल किया खेलने के बाद, मेरे को आर्मी में जब स्पोर्ट्स की वैकेंसी निकली तो मैंने 2011 के फर्स्ट में ज्वाइन किया आर्मी को। तो गांव में प्रैक्टिस करते थे और जो स्पोर्ट्स कोटा से इधर ज्वाइन करने के बाद इधर भी कंटिन्यू प्रैक्टिस की, इधर भी प्रैक्टिस का वही माहौल, और उससे भी गाँव से भी ज़्यादा अच्छा माहौल है आर्मी के अंदर प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हर चीज़ टाइम पर होती है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना और ये सबसे अहम है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसी के थ्रू मैंने आर्मी के थ्रू ही सर्विसेज टीम में गया और नेशनल में और जो भी टूर्नामेंट हुई थी उनमें अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया।